वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.3। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। हम लोगों ने देखा था कि एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 किस पे बेस था, ग्राफ मेथड पे, यानी कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ है उसको किस मेथड से सॉल्व करना था, ग्राफ मेथड से। आज हम लोग क्या करेंगे, एक नए मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो एक्सरसाइज 3.3 है वो क्या है, एक नए मेथड से क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं उसका नाम क्या है। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम प्रतिस्थापन विधि। इसको हिंदी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि। यानी क्या हम लोगों ने प्रीवियस कक्षाओं में क्या क्लास 9th में कुछ इस पे बेस प्रॉब्लम को मैंने देख लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए आइए देखते हैं बारी बारी सर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। हम लोगों ने प्रीवियस कक्षाओं में देखा था कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, किसी एक इक्वेशन की सहायता से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर उसी एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमको वहां से एक वैल्यू वाई की मिल जाती है, फिर वही वाई की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमको एक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल 14। इसे क्या कर लेंगे, इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन में क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल 4। इसे क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को ले रहे हैं। तो समीकरण 2 से आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी कार्य कीजिएगा आप लोग यहाँ पे से क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 मेरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस y मेरा क्या लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू है, इस y क्या कर देंगे राइट साइड में भेजेंगे। तो जब ये मेरा क्या लेफ्ट साइड में निगेटिव है, ये राइट साइड में क्या पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल वाई प्लस 4 हो जाएगा। इसे क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3rd सपोज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहां से ये एक्स की वैल्यू, अब ये एक्स की वैल्यू हो गई क्योंकि एक्स इक्वल है। अब इसी एक्स का मान क्या रखेंगे, किसी एक इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस y इक्वल 14 है। अब इसी x के प्लेस पे क्या रखेंगे, यानी क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो इस x के प्लेस पे मेरा क्या है, y प्लस 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y प्लस 4 प्लस y इक्वल 14। अब y y को ऐड करेंगे तो मेरा क्या है, 2y प्लस 4 इक्वल 14। यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, देखिए मेरा क्या था, 2y प्लस 4 इक्वल 14 है। यानी अब क्या करेंगे, इस 4 को राइट साइड में भेजेंगे, तो 2y इक्वल 14 माइनस 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2y इक्वल 14 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या 10 हो जाएगा। अब y इक्वल 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y इक्वल कितने है, y का मान मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकेंड इक्वेशन माना,
फिर मैंने क्या किया सेकंड इक्वेशन लिया, सेकंड इक्वेशन क्या था x - y = 4 था, अब इस y को उस साइड भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये नया इक्वेशन बन गया, इसे मैंने क्या कर लिया इसे इक्वेशन थर्ड सपोज कर लिया। अब क्या बोला कि x का मान समीकरण 1 में ex इक्वल है, इसी x का मान क्या है समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x + y = 4 समीकरण 1 है, इसी x के प्लेस पे क्या रखेंगे y + 4 रखेंगे, y + 4 रख दिया, y y ऐड करेंगे 2 था तो y y को ऐड करेंगे तो 2y और ये 4 4 आ जाएंगे इक्वल 14, यानी 2y + 4 = 14 हो जाएगा, इस 4 को राइट साइड में लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 14 में से 4 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे ये जो 2 है इस 10 के डिनोमिनेटर में आएगा तो 21 जा 2 2 5 जा 10 y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इस y का मान किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे हमको x का मान मिल जाएगा, हम सपोज करते हैं y का मान इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं, ठीक है तो क्या बोलेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर रखेंगे तो y की थर्ड इक्वेशन में क्या है x इक्वल y प्लस 4, x इक्वल y की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 4 यानी x इक्वल कितना गया मेरा 9, यानी हमको क्या मिला हमको x की वैल्यू क्या मिल गई 9 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई, यानी कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या करते थे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या इस ग्राफ मेथड से क्या करते थे x और y की वैल्यू फाइंड करते थे, लेकिन एक्सरसाइज 3.3 में क्या पढ़ना हमको प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने से सॉल्व करना है, इसलिए क्या करते हैं इसमें इसमें ये कोई बात नहीं है कि आप सेकंड इक्वेशन को ही लेके मतलब कि x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन से भी x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि x का मान ही निकालें, आप y का मान भी निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं या किसी इक्वेशन फर्स्ट से भी x या y का मान किसी एक वेरिएबल का मान निकाल के आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन सेकंड से ही x का मान निकाला जाए या y का मान निकाला जाए, आपको जो उचित लगे आप वो क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले ये दो लीनियर इक्वेशन है ठीक है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को किस मेथड सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो चलिए ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या सपोज कर लेते हैं s - t = 3 इसे इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया, इसके अंदर क्या है s / 3 + t / 2 = 6 इसे क्या कर लिया इक्वेशन 2 सपोज कर लिया, यानी इसको इक्वेशन 1 मान लिया इसको इक्वेशन 2। अब हमको धीरे इसमें कौन सा सिंपल लग रहा है हमको इक्वेशन 1 सिंपल लग रहा है, वहां से क्या करेंगे s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे इसी s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे समीकरण 1 ले रहे हैं यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से हम जो भी कार्य करेंगे यहां पे लिख के करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है s - t = 3, अब इस t को ये इस साइड नेगेटिव है इसको उस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा s = t + 3 इसे क्या कर लेंगे इसे इक्वेशन 3 सपोज कर लेंगे, अब इसी x का मान कहां रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 मेरा क्या है क्या है यहां पर देखते हैं समीकरण 2 मेरा क्या है s / 3 + t / 2 = 6 यानी इस s के प्लेस पे क्या रखना है t + 3, तो देख के रखते हैं t + 3 / 3 + t / 2 = 6, अब इन दोनों क्या करेंगे LCM निकालेंगे, LCM क्या आएगा 6, यानी क्या होता है यानी कि इसको सॉल्व करते हैं ठीक है यानी रेशनल नंबर यानी ये क्या है रेशनल नंबर का जोड़ यानी परिमेय संख्या का जोड़ है, तो परिमेय संख्या का जोड़ कैसे करते हैं डिनोमिनेटर पार्ट का क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, फिर इस डिनोमिनेटर पार्ट को एलसीएम से डिवाइड करते हैं जो वैल्यू आती है उसको क्या करते हैं नॉमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में डिवाइड करेगा इसी 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 3 + 2 में, यानी 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे t + 3 में प्लस, अब इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितने बार में कट करेगा 3 बार में, अब 3 का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो क्या आएगा 3t,
इक्वल 6। अब इस 6 को इस इसके पास भेजेंगे, मिल जाएगा 2 ब्रैकेट में t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल 6 इंटू 6, यानी ये 6 किसके पास जाएगा, इस 6 के पास आ जाएगा, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को अंदर भेजेंगे तो 2t प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करें, 2 3 जा 6 और ये 3t इक्वल 6 6 जा 36। अब क्या करेंगे, देखिए t को ऐड करेंगे वेरिएबल पार्ट को, वेरिएबल पर से ऐड करते हैं तो 2t का ऐड करेंगे 3t में तो क्या जाएगा 5t हो जाएगा प्लस 6 इक्वल 36। इस 6 को इधर भेजेंगे तो मेरा क्या जाएगा 5t इक्वल 36 माइनस 6 हो जाएगा, यानी क्या करेंगे 5t इक्वल 36 में से 6 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5t सॉरी अब क्या करेंगे इस t को क्या करेंगे इस 5 को इस 30 के डिनोमिनेटर पार्ट में लाएंगे, यानी क्या t इक्वल 30 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। यानी मैंने क्या कर लिया, इस s की सहायता से इस s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया, हमको क्या मिल गया टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमको भी एक वैल्यू मिली है, हमको s का मान भी निकालना है, तो इसी 6 का मान किसमें रख देंगे समीकरण 3 में। यहाँ पे लिखेंगे टी का मान, क्या लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखेंगे समीकरण 3 मेरा क्या है s इक्वल t प्लस 3 है, s इक्वल s t की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3 यानी s इक्वल कितना है 9, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई और s की वैल्यू कितनी आ गई 9, t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू क्या गई 9, क्योंकि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक s और एक t, यानी दोनों वैल्यू को क्या करना था आपको फाइंड करना था। मैंने क्या कर लिया, ये मेथड क्या है ग्राफ मेथड से सिंपल है, इसको क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन की सहायता से किसी एक वैल्यू को अलग करते हैं, उसी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमको एक मान मिलता है, फिर उसी मान को किसी और इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमको दूसरी वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। आप इसके अंतर्गत और सारे ढेर सारे क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को अवश्य शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।